नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज हम बात करेंगे फरवरी और मार्च के हिमाचल करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश गवर्नर इनोग्रेट्स कैंपेन अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन। तो ये जो शुरू किया, मतलब इनोग्रेट क्या है, ये किया हिमाचल के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने, ठीक है। और कब हुआ था ये? 15 फरवरी 2017 को हुआ था। और इसको जो ऑर्गेनाइज किया था या ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये था शिमला प्रेस क्लब। तो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, कब हुआ था, किसने ऑर्गेनाइज किया था और किसने इनोग्रेट किया था, ठीक है। अब क्या है, द कैंपेन एम्स टू मेक द स्टेट ड्रग फ्री। इसका एम क्या था, ड्रग फ्री स्टेट या स्टेट ड्रग फ्री, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। फिर क्या है, गवर्नर अनाउंस्ड टू ग्रांट 1 लाख, ठीक है। तो गवर्नर ने जो प्रेस क्लब शिमला थे उनको 1 लाख रुपए दिए, ताकि उन्होंने ये जो भी ऑर्गेनाइज किया था। तो डिटेल आपको इतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन याद रखिए कि कब हुआ था, किसने ऑर्गेनाइज किया था और किसने इनोग्रेट किया था। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को नेचर फेस्ट हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो यूनेस्को का नेचर फेस्ट था उसको हिमाचल प्रदेश में किया गया, हेल्ड एट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कहां पर हुआ ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये आयोजित किया गया। और जो किया गया था आयोजित, ये किया गया था 11 फरवरी 2017 को, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, ये किया गया था कोलैबोरेशन में किया गया था, किसके साथ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके इसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, ठीक है। और जो यूनेस्को का वो है, क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर है, वो है हमारा पेरिस फ्रांस में। तो हेडक्वार्टर भी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट यही हुआ कि कहां पर आयोजित किया गया था, तो वो किया गया था हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में, ठीक है, साइरोपा में है जो। और 11 फरवरी 2017 को किया गया था। और किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो वो किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साथ ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके यूनेस्को ने, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश असेंबली पासिस एनुअल बजट। एनुअल बजट पहले आ चुका है, बट ये तो एक मतलब करंट अफेयर है फरवरी टू मार्च के, तो इसलिए मैंने यहां पर ऐड के दिया है। तो ये जो एनुअल बजट आया था, ये आया था 30 मार्च 2017 को। अब जो मेन पॉइंट, की पॉइंट क्या थे इस एनुअल बजट के, सेटिंग अप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर, शिमला और कांगड़ा में। तो जो दो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खोले गए हैं, वो कहां पर खोले गए हैं, शिमला और कांगड़ा में, ठीक है। फिर क्या है, 220 करोड़ किसके लिए दिए गए, स्टेट फूड सब्सिडी स्कीम के लिए, ठीक है, 4 करोड़ मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना, ठीक है, और 30 करोड़ दिए गए हैं मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के लिए। तो दो ये योजनाएं तो पक्की याद कर लीजिए, ठीक है। और कहां पर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर लगेंगे, सॉफ्टवेयर वो लगेंगे शिमला और कांगड़ा में। और जो ये बजट आया था, ये आया था 30 मार्च 2017 को। तो यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एलईडी लाइट्स एनर्जी सेविंग फैंस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च्ड बाय वीरभद्र सिंह। तो ये लॉन्च हुई थी 29 मार्च 2017 को। ये एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब लॉन्च हुई थी। और एज द पार्ट ऑफ द, मतलब ये जो एलईडी बल्ब वाली थी, ये तो पहले ही चल रही थी, फैंस वाली इस बार ही लॉन्च की गई है, ठीक है, 29 मार्च 2017 को। एज द पार्ट ऑफ द स्कीम, एलईडी ट्यूबलाइट्स एंड एनर्जी एफिशिएंट फैंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रमोट एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो कि किया गया था 29 मार्च 2017 को। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल लॉन्चेस मोबाइल ऐप मेरा हुनर एचपी, ठीक है। तो हिमाचल ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, मेरा हुनर एचपी, जो कि जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट, वेबसाइट भी लॉन्च की है इन्होंने, साथ साथ मोबाइल ऐप भी, टाइटल्ड मेरा हुनर एचपी और मेरा माई टैलेंट के नाम से, दो नाम है, टू हेल्प स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स फाइंड जॉब। मतलब जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब फाइंड करने के लिए मेरा हुनर एचपी और माई टैलेंट, इन्होंने हिमाचल गवर्नमेंट ने दो एप्लीकेशन लॉन्च किए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नगाह सेकेंड बिगिंस बिटवीन इंडिया ओमान इन हिमाचल प्रदेश। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत निकल के आते हैं, ठीक है। पहली तो ये है कि
इंडिया ओमान के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, अलनगहा टू, ठीक है, या अलनगहा टू किन के बीच, किन किन देशों के बीच में होती है, इंडिया और ओमान के बीच में, ठीक है, और या फिर ये जो हो रही है ये कहां पर हो रही है, ये हिमाचल प्रदेश जहां पर भी हुई, ठीक है, तो ये हुई हमारी 6 मार्च 2017 को, ठीक है, बकलोह में, हिमाचल में, और जो इसका टाइम पीरियड था वो था 14 दिन का, यानी कि 14 दिन के लिए हुई अलनगहा टू इंडिया ओमान के बीच में बकलोह हिमाचल में 6 मार्च 2017 से, आप 14 दिन मतलब 6 मार्च 2017 को शुरू हुई 14 दिन के लिए, और ये जो था ये सेकंड एडिशन था, नाम से ही पता लग रहा होगा कि सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड एडिशन था। फर्स्ट जो हुआ था वो हुआ था मुस्कैट ओमान में जनवरी 2015 में, यानी कि जनवरी 2015 में ओमान में हुआ था इंडिया ओमान का जो पहला अलनगहा वन हुआ था, और जो सेकंड हुआ वो हिमाचल में हुआ, ठीक है, 6 मार्च 2017 को 14 दिन के लिए। तो इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, तो आप सभी को नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 45% ऑफ कंट्रीज बर्ड स्पीशीज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो जो टोटल कंट्री की, जो भारत की टोटल स्पीशीज है बर्ड की, उसकी 45% कहां पाई जाती है, हिमाचल में पाई जाती है, ये किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के जो रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC, ठीक है, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, 2017 रिपोर्ट, अबाउट 45 ऑफ कंट्रीज टोटल बर्ड स्पीशीज वर रिपोर्टेड इन हिमाचल प्रदेश, मतलब जितनी टोटल बर्ड, यानी कि 100% में से जो बर्ड स्पीशीज हैं उसमें से 45% कहां पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। द रिपोर्ट सेज दैट अराउंड 564 बर्ड स्पीशीज, ठीक है, 1263 में से 564 बर्ड स्पीशीज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, और जो ये काउंट हुआ ये फरवरी से 20 फरवरी के बीच में हुआ। तो ये क्वेश्चन जो 564 बर्ड स्पीशीज है ये बन सकता, ये बायोडाइवर्स मतलब जो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी बर्ड स्पीशीज पाई जाती है, या इंडिया के टोटल परसेंट की कितना परसेंट बर्ड स्पीशीज का हिमाचल में पाया जाता है। तो ध्यान रखिए और उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने कमेंट जरूर कीजिए, कुछ भी आप चाहते हैं कि इस तरह से वीडियो को बनाया जाए, ठीक है, कोई अपना सजेशन, और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।